हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। तो आप सभी के एग्ज़ाम हो चुके हैं और फाइनली हम लोग अब बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में। दो न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ ये है कि GIC का रिज़ल्ट और आश्रम पद्धति का रिज़ल्ट दोनों एक साथ आएंगे क्या, और दूसरा ये है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आश्रम पद्धति में चार सब्जेक्ट थे, PCMB, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। इन चार सब्जेक्ट्स में से किसने कितना स्कोर किया है, कैसा पेपर रहा है, और 83% बच्चों ने ही एग्ज़ाम दिया है, ये आप जान चुके। अगर इतना एग्ज़ाम हुआ है तो आपकी पोस्ट 1 से 7 थी, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग कितना कितना परसेंटाइल होना चाहिए या कट ऑफ होना चाहिए, ये बोल सकते कट ऑफ होना चाहिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि हिंदी का पेपर सभी का स्कोरिंग पेपर होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर वही होगा, क्योंकि पेपर का लेवल जो था वो अप्रॉक्सीमेट है। थोड़ा सा अपनी कोचिंग का बखान कर देता हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट इट्स ट्रू कि हमारे दिए गए सारे नोट्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट थे, कुछ नोट्स को छोड़ करके सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए। सिर्फ 10% नोट्स हम लोगों ने नहीं आपको प्रोवाइड करे, सारे नोट्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट थे, जिसके लिए मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ गया। कोई बात नहीं हो तो बात की बात है। तो उन नोट से सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही आए हैं जो हम लोगों ने क्लासेस दी थी। बहुत कम क्लासेस दी हैं, समथिंग 100+ के आसपास क्लासेस जो हम लोगों ने दी हैं कोर्स में, उन सभी क्लासेस से सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं। 85% हूबहू क्वेश्चन आए, 85% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। जब ये पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है तो ऐसा है, जब अब नेक्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम होगा तो आप ही समझ लीजिए कि हम लोग इसमें 100% का आंकड़ा अचीव करेंगे। तो आपको जान के खुशी होनी चाहिए और आपके प्यार के सपोर्ट के साथ में ही ऐसा हो सका है, पॉसिबल हुआ है। तो चाहे हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो सबसे पहले आता है फिजिक्स, माई फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स का, सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना जाएगा। तो सब्जेक्ट का कट ऑफ जिस हिसाब से मैंने बच्चों से बात करी है, जो मेरे पास पढ़ रहे थे, जो और भी बच्चे थे, उन सभी से बात करने के बाद में मुझे मालूम चला कि सभी का एक या दो क्वेश्चन छूटा है। अगर एक और दो क्वेश्चन छूटे हैं सभी बच्चों के लगभग लगभग, तो उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ आपका जा सकता है सब्जेक्ट का फिजिक्स में, 230 से लेकर के 260 तक, ठीक है ना, 230, थोड़ा सा कम 5+ माइनस हो जाएगा। जनरल OBC, ST, SC, EWS सभी की कैटेगरी से 5-5 नंबर का रेफरेंस हो सकता है। अब इतना लंबा एक्सप्लेनेशन करना बेटर नहीं लगेगा, बट इतना एग्जैक्ट डाटा यही रहने वाला है मेरे हिसाब से। फिर आता है सर फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री में कितना रहेगा। सर केमिस्ट्री में आपका यही डाटा 225 से लेकर के 250 के आसपास रहेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन छूटे हैं। फिर आते हैं आपका बायोलॉजी, बायोलॉजी में बहुत कुछ लिखना था, बच्चे परेशान करे सर बहुत बड़ा बहुत पेपर आ गया, बहुत बड़ा पेपर। तो हमने कहा ठीक है बेटा, क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए जो डाटा जाएगा यही 220 से लेकर के 250 के आसपास, ठीक है ना, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ सिर्फ। फिर आपका आता है मैथ सेक्शन, मैथ में ये डाटा बढ़ जाएगा 240 से लेकर के 260, तो 235 से लेकर के 265 तक सब्जेक्ट में जिन बच्चों के होंगे उन्हीं का मामला कुछ अच्छा लग रहा होगा आपको। ऐसा नहीं है कि देखिए पोस्ट कम है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, और बहुत सारे बच्चे आए भी नहीं, 80-83 बच्चे गए भी नहीं थे। तो ये आपका एक सब्जेक्ट कट ऑफ था। अब आप आइए हिंदी के कट ऑफ में। हिंदी कट ऑफ में आप ये याद रखिए कि जिन बच्चों की हिंदी के एग्ज़ाम बेहतरीन हुए हैं, जिनका बढ़िया गया है, बिल्कुल मस्त चौचक गया है, उनका तो बेहतरीन होना ही होना है। फिजिक्स में 27 पोस्ट है अप्रॉक्सीमेट आई थिंक। अब उस पोस्ट में आप ये समझ लीजिए जिन बच्चों ने हिंदी में 60+ कवर कर लिए होंगे उनका तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका 40 से 60 के बीच में हुआ होगा, कुछ बच्चे 50 वाले भी होंगे। तो ये मान लीजिए जिसका हिंदी का स्कोर 50+ है या चांस है होने के, उसके लिए चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और जिसका 60+ है उसके लिए थोड़े से चांस और बढ़े। जिनका 65+ के ऊपर हिंदी जा रहा है, 65 क्योंकि कॉपी बहुत टफ चेक होती है हिंदी, 65+ जा रहा है उनका सिलेक्शन लगभग लगभग हो जाए, ठीक है ना। अब कोई श्योरिटी तो है नहीं, कोई भी गॉड तो है नहीं, फिर भी जो इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक चीज़ें हैं उनको देखते हुए सब बताया जा रहा है।
तो कोई भी प्रॉब्लम है कट ऑफ को लेकर के आप कमेंट करिए, कोई भी प्रॉब्लम है, अच्छे कमेंट बुरे जो भी आपको करना चाहते हैं, अगर कुछ बुरा लग रहा है तो उसके लिए सॉरी, बट जो तुरंत है वो तुरंत है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं कि सर रिजल्ट GIC और आसाम एक साथ, बिल्कुल हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत कम कॉपियाँ चेक करनी है इसमें, और साथ में जो रिजल्ट प्रोवाइड करना होगा दोनों एक ही एजेंसी हैं, अगर दोनों एक ही एजेंसी है तो रिजल्ट भी साथ हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी हो सकता है कि आपका ये रिजल्ट पहले आ जाए GIC का, बाद में आश्रम पद्धति है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पुख्ता न्यूज़ नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर आपके रिजल्ट दोनों एक साथ आएंगे क्या, चार पांच बच्चों ने कमेंट किया बोले, तो मैंने कहा ठीक है चलो देखते हैं इसके लिए कुछ। मैंने फिर एक दो फ़ोन घुमाए तो मालूम चला कि पता नहीं, कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ भी हो सकता है, अभी तो कल पेपर हुआ है, ये है वो है, तो मैंने कहा ठीक है ओके चल। तो ये आपका हो गया। तो प्रमोशन के साथ में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं उनके सभी के लिए LT ग्रेड क्लासेस अपलोडेड है, ठीक है, और भी क्लासेस लगने स्टार्ट हो जाएंगी कल से, आई थिंक कल या आज से स्टार्ट हो जाएंगी, और उन क्लासेस का आप इंजॉय करिए। TGT, LT ग्रेड, PGT इन सभी की तैयारी के लिए सारी क्लासेस अवेलेबल हैं आपके चैनल पर, ठीक है ना, फ्यूचर गोल्स फिजिक्स पे जा करके, तो वहाँ पर आप जाएंगे, इन चीज़ों को आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये छोटी सी नहीं, थोड़ी सी बड़ी जानकारी थी जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार देते रहें, ऐसे ही आप लोगों के प्यार से ही ये इतनी बड़ी मंजिल खड़ी हो चुकी है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चीज़ें अच्छी लगी हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।